क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.4 फाइंड एंड करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट. देखना क्या करना है हमें. क्वेश्चन 1 में कहा है 4x-5 = 4x-5. अब चेक करो कि ये इसके इक्वल है या नहीं. उसके लिए आप क्या करोगे, आप सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो. लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 4x-5. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से क्या करोगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x, माइनस 4 को 5 से करोगे 20. तो करेक्शन क्या है, देयर फोर 4x-5 किसके इक्वल होगा, 4x-20 के इक्वल होगा. तो एरर क्या था, ये 5 एरर था, और इसकी करेक्शन क्या है, ये 20 करेक्शन है. तो इस तरह से आप क्या करोगे, सब इक्वेशंस में, यहाँ पे आपको 9 इक्वेशंस दे रखी हैं, 9 इक्वेशंस में यही करोगे आप, एरर चेक करोगे और फिर उसको क्या कर दोगे, करेक्ट कर दोगे. सेकंड पार्ट इसका, सेकंड क्वेश्चन, x 3x + 2 = 3x² + 2. ये गिवन है, हम सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये लेंगे x 3x + 2, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव से x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा, x को 2 से करेंगे 2x. यहां सिर्फ 2 लिखा था, आंसर होना चाहिए 2x. देयरफॉर करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, करेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट is 3x + 2 = 3x² + 2 की बजाय हम लिखेंगे 3x² + 2x. तो इनकरेक्ट आपने पहचान लिया, ये 2 इनकरेक्ट था, इसकी जगह करेक्ट क्या है, ये 2x करेक्ट है. कैसे पता लगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को. थर्ड, (2x + 3y = 5xy). सॉल्यूशन एक्चुअली जब हम इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि 2x + 3y ये दोनों तो प्लस हो ही नहीं सकते, तो 5xy आने का तो मतलब ही नहीं है. फिर भी करेक्ट करना है इसे, कुछ ऐसा करना है ताकि दोनों आंसर सेम हो सके, स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो सके. तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस 2 के साथ xy भी लिखते हैं और 3 के साथ भी xy लिखते हैं, तब ये प्लस होके हो जा सकता है 5xy, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन ही नहीं हो सकता था. तो हमने क्या करेक्ट किया, इस x की जगह कर दिया हमने xy और इस y की जगह कर दिया हमने ये भी xy, तब ये सेम आपके लाइक जो है टर्म्स हो जाती हैं और फिर प्लस होके हो जाएगा 5xy. इस तरह से फोर्थ आपके पास (x + 2x + 3x) = क्वेश्चन में दिया है 5x. सॉल्यूशन (x + 2x + 3x) क्या होता है, 3 और 2 5 और 1 6x होता है. तो यही करेक्शन है,
आपने 5x की जगह 5 की जगह क्या कर दिया, 6 कर दिया है। नेक्स्ट फिफ्थ, 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y इक्वल टू 0। चेक करते हैं सॉल्यूशन में, 5y प्लस 2y प्लस y, 5 और 2 7, 7 प्लस 8, 8y हो गया, तो माइनस 7y, तो 8y माइनस 7y क्या होता है, सिंपल y होगा। तो ये हमने फिर करेक्ट कर दिया, क्या करेक्शन किया, 0 की जगह हमने y लिख दिया। सिक्स्थ क्वेश्चन, 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर। तो यहां फिर आपका गलत है सॉल्यूशन, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो प्लस तो हो ही सकती हैं। 3x प्लस 2x, 3 प्लस 2 5x होगा, जो वेरिएबल है वो प्लस नहीं होते ऐसे इस तरह से, उनके साथ जो ये नंबर्स हैं ये प्लस होंगे। 3x का मतलब है 3 टाइम्स x, 3x का क्या मतलब है, 3 टाइम x, यानी x प्लस x प्लस x, 3 टाइम x, प्लस में 2 टाइम x, x प्लस x, टोटल कितना हो गया, 5 टाइम x हो गया। तो ये आपका करेक्शन है, x स्क्वायर की जगह आपको सिर्फ लिखना था x। सेवंथ क्वेश्चन, 2x होल स्क्वायर प्लस 4 2x प्लस 7 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो सॉल्यूशन, 2x स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8x प्लस 7, ये मैंने सीधा ही सॉल्व कर दिया। देयरफॉर एक्चुअली क्या करें, पहले ये कर लेते हैं और यहाँ पे भी 4 और 2 ही लिख लेते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे अगली स्टेप में। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो देयरफॉर फिर लिखूंगा मैं, दिस इज इक्वल टू दिस, नॉट दिस, 2x होल स्क्वायर प्लस 4 ऑफ 2x प्लस, x अंदर ही था, x अंदर रख लो, बाहर मतलब बात एक ही है फिर भी, प्लस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो जो इन्होंने दिया उसमें 2 था और जो हमने किया उसमें क्या है, 4। तो यही आपकी करेक्शन है, क्लियर है। क्वेश्चन एट्थ बेटा, एट्थ क्वेश्चन आपके पास है 2x होल स्क्वायर सेम सेवन की तरह ही प्लस 5x इक्वल टू 4x प्लस 5x इक्वल टू 9x। सॉल्यूशन में 2x होल स्क्वायर प्लस 5x क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, इसके बाद 9x नहीं होगा। देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2x होल स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। करेक्शन क्या कर दिया आपने, यहां इसको ये कर लिया। अच्छा, अगर आपको ये एज इट इज रखना है, सपोज ये एज इट इज रखना है, तो आप इसको एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरा मेथड मैं रेड पेन से यहां शो कर देता हूं भाई। इसमें आप क्या कर सकते थे, 2x होल स्क्वायर के जगह आप 2 स्क्वायर x लिख सकते थे, x को बाहर कर देते प्लस 5x कर लेते, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता, 4x प्लस 5x और फिर क्या हो जाता, 9x हो जाता। तो आप एक करेक्शन करते, ये x को स्क्वायर से बाहर ले जाते तो ये लाइक टर्म्स रहती और प्लस होकर 9x आ जाता, ये बात का सब सही हो जाता, इसे करेक्ट कर देते। अगर आप इसको ऐसे ही रखते हो तो आपको यहां स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 9x नहीं आएगा आपका। तो दोनों मेथड मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। क्वेश्चन 9, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। सॉल्यूशन, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12x और प्लस 4। अब आप इसमें देखो ये तो क्या आपके पास 3x² + 6x + 4 तो इसकी जगह आपके पास क्या आएगा ये आएगा। तो करेक्शन में क्या कर दिया आपने 3 की जगह 9 6 की जगह 12 4 एज इट इज। क्लियर है। क्वेश्चन 10 कहता है सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इक्वल टू माइनस 3 इन किसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 4 गिव्स माइनस 3² + 5 - 3 + 4 इक्वल टू 9 + 2 + 4 इक्वल टू 15। तो इसमें एरर ढूंढते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे खुद इसमें रखेंगे x की जगह -3x² + 5x + 4 तो x की जगह -3² कर दो प्लस 5x की जगह -3 + 4। अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 5 3 = 15 प्लस माइनस माइनस और प्लस में 4 9 - 15 - 6 + 4 माइनस प्लस माइनस तो 6 - 4 = 2 बड़े के सामने क्या है माइनस। तो ये आपका आंसर और करेक्शन दोनों है। इसमें गलती कहाँ की इन्होंने 5 और 3 को मल्टीप्लाई करना था 15 माइनस 15 करना था इन्होंने 2 लिख दिया तो ये जो 2 है ये गलत है। इसकी जगह क्या आता इसकी जगह -15 आता और फिर जब सोल्व होता तो फिर आपका सही आंसर आ जाता। तो ये करेक्शन और सॉल्यूशन इसलिए वो आपको कह रहा कि आप ध्यान दो कि गलती से बच्चे कौन सी गलतियां ज्यादा करते हैं ताकि वो गलतियां आप ना करें। बी पार्ट x² - 5x + 4 गिव्स -3² - 5 - 3 + 4 इक्वल टू 9 - 15 + 4 इक्वल टू -2। तो सॉल्यूशन में हम देखो पहले तो क्वेश्चन एज इट इज लिख लेंगे x² - 5x + 4 फिर x की जगह -3 पुट कर देंगे पुट x की जगह देयरफॉर -3² - 5x की जगह -3 + 4 यहां तक तो इनका भी सही है वैल्यू तो इन्होंने भी सही पुट की है। इसके बाद क्या करेंगे माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस 3 का स्क्वायर 9 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 -(-) और प्लस में 4 जबकि इन्होंने ये गलत कर दिया -(-) आना था इन्होंने ये माइनस लिख दिया तो ये इनकी गलती है ये वाली। इसको करेक्ट करके हमने यहाँ क्या कर दिया प्लस कर दिया ये सही है। अब आगे आंसर करेंगे तो ये भी सही हो जाएगा 9 + 15 = 24 24 + 4 = 28 आपका आंसर है तो ये करेक्शन है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट x² + 5x गिव्स -3² + 5 - 3 इक्वल टू -9 - 15 इक्वल टू -24 ये क्वेश्चन में किया हुआ है। अब सॉल्यूशन में हमें दोबारा करना है x² + 5x तो x की जगह -3² + 5 फिर x की जगह -3 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 5 3 = 15 प्लस माइनस माइनस
9 माइनस 15 माइनस 6, एक्चुअली 15 माइनस 9 6, बड़े के सामने माइनस है तो माइनस लगेगा, ये आंसर है। इन्होंने कहां गलत किया, सबसे पहले माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इन्होंने ये माइनस गलत कर दिया तो हमें ये प्लस करना है, वहीं से एक इनकी गलती थी जिससे इनका आंसर गलत हो गया। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, y माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है, ये गलत है, हमें इसे सही करना है। सॉल्यूशन, y माइनस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये डिपेंड करता है किस आइडेंटिटी पे, ये आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। क्या कहता है, a का स्क्वायर करो, a यानी पहले वाला y स्क्वायर, फिर माइनस, फिर टू करो, फिर ब्रैकेट में a लिखो यानी y, फिर b यानी 3, और फिर प्लस का साइन, और फिर b यानी 3 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा y स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6y और प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये आपका आंसर आएगा। ये ध्यान रखना, यही करेक्ट आंसर है, यहाँ यानी हर जगह जहां भी a माइनस b होल स्क्वायर आएगा ये आइडेंटिटी लग के सोल्व होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इनका ये जो आंसर था ये इनकरेक्ट था। ये तो हो गया आपके पास 11। क्वेश्चन 12, जेड प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू, इन्होंने लिखा हुआ है जेड स्क्वायर प्लस 25, ये तो पक्का ये गलत है, फिर सही क्या होगा। सॉल्यूशन, जेड प्लस 5 होल स्क्वायर, जैसे माइनस पे दो टर्म थी, माइनस था उसके स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, इसकी भी आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है, हमने थोड़ी देर पहले भी की थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसी ही है बिल्कुल इस जैसी, बस यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगा देंगे, यानी जेड स्क्वायर प्लस 2a यानी जेड और b यानी 5 प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10 जेड और प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 13, टू ए प्लस 3b और a माइनस बी, इन्होंने लिखा 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, कैसे करेंगे देखो। सॉल्यूशन, 2a प्लस 3b, पहले तो क्वेश्चन नोट कर लिया, a माइनस बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, उसका क्या मतलब है, जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लिखो 2a, ये है ना, और मल्टीप्लाई कर दो बाद वाले दूसरे ब्रैकेट से a माइनस बी से, फिर पहले एलिमेंट के बाद क्या साइन है प्लस, वो प्लस डाल दो, फिर दूसरा एलिमेंट लिखो 3b और उसको मल्टीप्लाई कर दो कंप्लीट सेकंड वाले ब्रैकेट से। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2a को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, 2a इंटू a 2a स्क्वायर माइनस 2a इंटू b 2ab, फिर ये वाला प्लस 3b इंटू a तो 3ab प्लस माइनस माइनस 3b इंटू b 3b स्क्वायर, ये है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी फर्स्ट और लास्ट ऐसे ही, तो 2a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 3 माइनस 2 1, साइन बड़े का ही रहेगा यानी प्लस 1, 1 को मत लिखो सीधा उसके साथ क्या है ab उसे लिख लो, माइनस 3b स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो इनका ये जो आंसर था जो इन्होंने लिखा हुआ था ये वाला, ये गलत है, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर लिख दिया इन्होंने, बीच वाला ab तो लिखा ही नहीं, तो ये हमारा ये वाला चीज करेक्ट है और ये इनकरेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट है। 13 के बाद
फोर्टींथ क्वेश्चन, सेम इसी तरह से दो ब्रैकेट दे दिए फोर्टींथ क्वेश्चन में भी, ए प्लस फोर और ए प्लस टू इक्वल टू दिया ए स्क्वायर प्लस एट। आप सॉल्यूशन करोगे ए प्लस फोर और ए प्लस टू, तो पहले क्या करोगे फर्स्ट एलिमेंट लोगे ए और फिर दूसरे वाला कंप्लीट ब्रैकेट ले लोगे, फिर फर्स्ट के बाद जो भी साइन है जैसे प्लस है तो प्लस ले लिया, फिर फोर ले लिया, फिर दूसरे वाला कंप्लीट ब्रैकेट, ए इंटू ए ए स्क्वायर, ए इंटू टू टू ए, फोर इंटू ए फोर ए, प्लस फोर टू जा एट, ए स्क्वायर टू ए प्लस फोर ए सिक्स ए प्लस एट, ये आपका आंसर है। ये सिक्स ए आपके पास सही है और ये आपका जो है वो गलत है। फिफ्टींथ क्वेश्चन, ए माइनस फोर ए माइनस टू इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एट, ये क्वेश्चन में गिवन है। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन ही नोट कर लो, फिर जैसे अभी तक करते हैं फर्स्ट एलिमेंट और साथ में दूसरे वाला कंप्लीट, फिर इसके बाद जो साइन है जैसे इसमें माइनस है पहले प्लस होता था ना तो ये माइनस का साइन लगा दो और सेकंड एलिमेंट लिखो फोर, फिर दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट। अब ए से ए को मल्टीप्लाई करो ए स्क्वायर, साइन क्या उसके बाद माइनस, ए को टू से करो टू ए, फिर बाहर आ जाओ बाहर मिला माइनस, फिर फोर ए से मल्टीप्लाई होगा फोर ए। अब ये नेक्स्ट से टू से मल्टीप्लाई होगा फोर टू जा एट, लेकिन इसके आगे साइन क्या होगा ये माइनस है इसके आगे और इसके आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है माइनस टू माइनस फोर, माइनस माइनस प्लस होता है यानी सिक्स ए, साइन बढ़ेगा यानी माइनस का और प्लस में एट, ये आपका आंसर है। तो ये करेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट था, ये क्या था हमारे पास इनकरेक्ट। क्वेश्चन 16, 3x² अपॉन 3x² इक्वल टू जीरो दे रखा है। सॉल्यूशन 3x² अपॉन 3x² इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, 3 से 3 कैंसिल, x² से x² 1 हो गया, क्लियर है। तो ये आपका सही है और ये जो जीरो है ये गलत है। 17th, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 3x² इक्वल टू 1+1 इक्वल टू 2 दिया है। बच्चे क्या करते हैं ऐसी गलतियां करते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इससे इसको कैंसिल कर देंगे और 1 आ गया, जैसे इसको इससे कैंसिल करके 1 आया तो बच्चे सोचेंगे इसको इससे कैंसिल करके 1 आ गया, 1+1 2 आ गया, ऐसा नहीं होता। सॉल्यूशन कभी भी बीच में प्लस है तो उसका एक एलिमेंट नीचे डिवाइड नहीं हो सकता, तो 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² आप क्या करोगे इसे अलग अलग दो क्वेश्चंस में डिवाइड कर लोगे, ये अपॉन में ये यानी 3x² अपॉन 3x², फिर ये प्लस का साइन, 1 अपॉन में ये 1 अपॉन 3x², इससे ये कैंसिल होके 1 आ गया यानी 1+1 अपॉन 3x², ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, 3x अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू दिया है 1/2, सॉल्यूशन क्या होगा बिल्कुल ऐसे जैसे अभी किया था, 3x अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x अपॉन, अच्छा क्या है एक चीज ध्यान से, अब ये दो क्वेश्चंस में डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नीचे प्लस है, ये दो क्वेश्चंस में डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसमें नीचे प्लस है, ऊपर प्लस हो तो दो क्वेश्चंस में डिवाइड हो सकता है, नीचे प्लस हो तो दो क्वेश्चंस में डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका यही आपका आंसर है, 1/2 नहीं आएगा, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन 19,
थ्री अपॉन, हाँ भाई देखना, तो थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वन अपॉन फोर एक्स दिया हुआ है, तो ये गलत है। अपॉन में प्लस है और अनलाइक टर्म्स हैं तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती, तो सॉल्यूशन इसका यही रहेगा, थ्री अपॉन फोर एक्स प्लस थ्री, यही आपका आंसर है, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन 20, फोर एक्स प्लस फाइव अपॉन फोर एक्स इक्वल टू फाइव, सॉल्यूशन फोर एक्स प्लस फाइव अपॉन फोर एक्स, अब ये न्यूमरेटर में प्लस है तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन में डिवाइड हो जाएगा, इसे आप कर सकते हो फोर एक्स अपॉन फोर एक्स प्लस फाइव अपॉन फोर एक्स, क्योंकि आपको पता है अगर ऐसा होता तो एलसीएम लेके यही स्टेप आती, तो आप रिवर्स जा सकते हो, फोर एक्स से फोर एक्स कैंसिल वन, तो आंसर आ गया आपका वन प्लस फाइव अपॉन फोर एक्स, ये आंसर है। तो ये पोर्शन जो था ये गलत था, यहाँ पे ये गलत है और यहाँ पे ये गलत है, तो गलत पे मैं मार्क इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छी तरह से ध्यान रहे कि क्या गलत है। क्वेश्चन 21, सेवन एक्स प्लस फाइव अपॉन फाइव इक्वल टू सेवन एक्स, सोल्यूशन सेवन एक्स प्लस फाइव अपॉन फाइव को वैसे ही करेंगे जैसे ये किया था, सेवन एक्स अपॉन फाइव प्लस फाइव अपॉन फाइव, तो ये तो कैंसिल वन हो गया, तो आंसर आया सेवन एक्स अपॉन फाइव प्लस में वन, यही आपका आंसर है, ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा।